उधर बागमारा में एक बार फिर खाके शर्मसार हुई है। बरोरा थानेदार विनोद शर्मा का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में किसी केस को लेकर थानेदार अपनी हिस्सेदार को लेकर BCCL कर्मी को फोन पर धमकी दे रहे हैं। न्यूज 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ सर, बोलिए सर। आप BCCL एम्प्लॉय है ना? हाँ सर। ठीक है, लोग बात सुने हैं, ठीक ना? हाँ सर। तो इसमें थोड़ा समय निकाल के उस सब का भी ये करना है। और ये बोल रहे हैं कि ये उस दिन आपको कितना पैसा दिया था? आप तो हम बोल भी किए थे सर, कम हो कि जो पूरा करे उसको, आप तो जो बाकी रह गया है वो तो हम बोल भी किए उसको। नहीं, ये आपको कितना दिया है? वो 5 दिए थे, 3 आपको दिए हैं। अच्छा, तो ये ओला आपको तो बोल भी देंगे आपको, मान तो इसका पूरा हम काम करेंगे तब उतना होगा। कुछ बढ़वाएंगे बोल करके। ये क्या तरीका है आपका भाई? इससे लिया आप 5,000, हमको दिए 3,000, क्या मकसद है? हम आपको तो बोले नहीं, ये अच्छा बात तो नहीं है। बोले थे सर आपको कि हम, अरे बोले थे कि हाँ और कम होने दीजिए और होगा। हाँ, इससे तो आप उस दिन 3,000 लेके हमको दिए रहते, आप 5,000 ले लिए, फिर 2,000 आप किस लिए रखे? अच्छा, ये बोला सर हिसाब इनका अलग है। कौन चीज का हिसाब अलग? अरे भैया, हमारे लिए आप इससे 5,000 लिए ना। हाँ, तो हमको आपको 5,000 देना था। नहीं, ये सब लेके हमको जो गलत है उसको हमको पसंद नहीं है। ठीक, यही नौटंकी के चलते हम इस दर्दा के अस्तरवा को टारगेट किए थे। IFIR करके विधायक चिल्लाते रह गए, जेल भेजिए, थाना आना छूटा उसका, ये हमको पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आईना नहीं होगा। आप आए हैं, आपका हम बात सुन रहे हैं, वही बहुत है। ये क्या तरीका है भाई? ठीक है, किसी से आप लिए कुछ उजान रहा कि हम बड़ा बड़े को दिए इतना, अब बड़ा बड़े को मिला ये, बीच में आप खा गए। अच्छा ठीक है, हवा में, ये गलत बात है। हम बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर, वो हम आप सुबह पहुंचा देंगे। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। आप BCCL एम्प्लॉय है ना? इस तरह से हम और आप ये सोचते हैं कि झारखंड में जिस तरह से अधिकारी अब समझ गए होंगे, पुलिस के अधिकारी हो, थानेदार हो, या इन्हें कम से कम इतना तो अब पता होगा कि लगातार कार्रवाइयां भी इन पर हो रही है और घूस के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ लगातार ये हत्ते भी चढ़ते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि किस तरह से ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते इस ऑडियो की, लेकिन इस ऑडियो में किस तरह से जो थानेदार है वो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे और फोन पर रिश्वतखोरी की बात कर रहे, रिश्वतखोरी की डील कर रहे BCCL कर्मी की तरफ से। और हमारे साथ DSP निशा मुर्मू बागमारा से है फोन लाइन पर, तमाम जानकारी उनसे भी लेते हैं और उन्हें भी देते हैं। निशा मुर्मू जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बरोरा थानेदार के का जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है और साफ तौर पर थानेदार जो है वो यहां पर रिश्वतखोरी की डील करते सुनाई पड़ रहे हैं। पूरी आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि देखिए लगातार कार्रवाइयां भी होती है और उसके बावजूद भी इस तरह की जो बातें वो सामने आती है। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ देखिए, अभी इस तरह की बात सामने भी आ रही है, ऑडियो क्लिप भी हम लोगों ने सुना है, तो इससे पहले तो जांच होगी और उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, अगर ये, हम तो हालांकि फिलहाल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो हम तक सूचना मिल रही है कि ये थानेदार की आवाज है और अगर ये पुख्ता तौर पर जाहिर हो जाता है कि हाँ ये बरोरा थानेदार ही इस तरह से रिश्वतखोरी की डील कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर इस बात की मतलब सत्यता की जांच होती है और इसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। चलिए, तो दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। निशा मुर्मू DSP बागमारा, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ऑडियो की पुष्टि होती है, धनबाद बरोरा थानेदार जो है वो अगर इसमें उन पर जो आरोप लग रहा है वो सत्यता की पुष्टि हो जाती तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी बात एक है, देखिए यहां खबर भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से फोन पर BCCL कर्मी से जो बरोरा थानेदार है वो रिश्वतखोरी की डील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं रिश्वत की, अपने आप में एक शर्मनाक बात कही जा सकती है।